ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। विश्व एवं भारत के विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है आंकड़ों का, उस हिसाब से जो मेट का प्रिडिक्शन है 10, 11, 12 जुलाई को भारी वर्षापात का की संभावना है बिहार में और नेपाल के कैचमेंट एरिया में। इससे गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और अधवारा ग्रुप की जो अन्य नदियाँ हैं उसमें जो वाटर लेवल है पानी का बढ़ने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। और जो डिपार्टमेंट के हमारे इंजीनियर्स हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, सबको कहा गया है कि बांध पे ही रहेंगे, एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे। यहाँ भी पटना में भी जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ से भी हम लोग एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सारी स्थिति की का अवलोकन किया और हम लोग भी एक एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और जो परिस्थिति बन रही है उसमें आपसे भी आग्रह है कि आपको कोई जानकारी मिले, कोई सूचना आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है तो जो हमारा कॉल सेंटर है या हमारा जो सोशल मीडिया का नेटवर्क वाला सिस्टम है या लोकली भी या मुझे भी, जहाँ भी आप सूचना देना दे सकते हैं दीजिए, हम लोग इमीडिएटली उस पर भी काम करेंगे। और एक चीज़ यह है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना और सारा जो विभाग के सारे लोग हैं सब कुछ अलर्ट पर है, एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। इसी में जो अर्ली प्रिडिक्शन में ये भी जानकारी मिली है कि 12 तारीख के बाद वर्षा काफ़ी कम हो जाएगा, जो भी वर्षा है 10, 11, 12 जुलाई को हुई है और उसके बाद आने वाले टाइम में जो अर्ली प्रिडिक्शन का सिस्टम है उसमें इमीडिएटली कोई भारी वर्षापात का संकेत नहीं है।